सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे, अच्छे से होगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं गाड़ी में हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो ये रहा हमारा रास्ता और ये रहा यहाँ का रेगिस्तान जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, आगे आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये रहा रेगिस्तान, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे सब, ना रोड कितने क्लीन और कितने अच्छे हैं। बस अभी हम यहाँ से निकले हैं, दुआ करो कि अपनी मंजिल तक हम खैर खैरियत से पहुँच जाए, और फिर आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे, और देखते रहिए मेरे साथ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो हम आ गए हैं शारजा, आप देख सकते हो कितना प्यारा कितना खूबसूरत है ये सीन जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो शारजा में आई हूँ, बट मैं कहाँ आई हूँ शारजा ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मैं शारजा क्यों आई हूँ और किस लिए आई हूँ। तो ये इन लोग का गवर्नमेंट ऑफिस है यहाँ पे, जैसे हमारा बॉम्बे में है, दिल्ली में है, तो ये इनका ऑफिस है यहाँ पे शारजा का। और ये देखो खजूर के झाड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, और ये गार्डन कितना प्यारा, देखो कितना कितना खूबसूरत है, देख सकते हो आप, सही में बहुत ही खूबसूरत है। और क्या बताऊँ, फिर देखते हैं आप आगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ शारजा एयरपोर्ट, तो ये था सरप्राइज़। तो मैं आ रही हूँ इंडिया, तो मेरी फ़्लाइट है शारजा से इंडिगो फ्लाइट। तो मैं आ गई हूँ अभी शारजा एयरपोर्ट पे, तो मैंने अपना बोर्डिंग करवा लिया, सामान डाल दिया और सब चीज़ों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा एयरपोर्ट का शॉट कर लेते हैं। शारजा एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, बहुत प्यारा खूबसूरत है और अच्छा है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं फ्लाइट के लिए। तो किसी ने मुझे कहा कि कैमरा मत लो, तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया। तो एयरपोर्ट पे एक्चुअली कैमरा लेने देते नहीं हैं वो, पता नहीं ये लोग कुछ गलत समझते कि मतलब हर कोई हमारी कंट्री में भी नहीं लेने देते, तो ऐसा है। तो ये एयरपोर्ट है, मैं बस थोड़ा थोड़ा, ये ड्यूटी फ्री है वहाँ का, ये देखो आप देख सकते हो ये ड्यूटी फ्री है। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप मुझे मिला तो मैंने ले लिया, मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बट ऐसे ही दिखा। तो ये रहा ड्यूटी फ्री, जहाँ पे सारी चॉकलेट्स वगैरह है। एक्चुअली चॉकलेट्स मैं ली नहीं क्योंकि मेरे पास वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने जो मशीन वगैरह ली थी ओवन है और बहुत सारा घर का सामान ली थी तो वेट हो गया है। तो इसके लिए बस ऐसे ही आप लोगों के लिए थोड़ा शूट कर रही थी कि आप लोगों को बता दूं कि ये है ड्यूटी फ्री शारजा एयरपोर्ट का। तो अभी हम अपनी प्लेन की तरफ जा रहे हैं, जो कि प्लेन लग चुका है और मैं अंदर जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैं प्लेन में बैठ चुकी हूँ, प्लेन उड़ चुका है। तो ये है आसमान, जो कि मैं अभी फ़िलहाल आसमान में हूँ। तो मैंने सबके लिए दुआ की, सबके लिए, जितने भी मेरे भाई बहन या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी है, मैंने सबके लिए दुआ की हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे और सबको आबाद रखे, कहते हैं सफ़र में दुआ कबूल होती है। फिर ये देखिए हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया, ये है बॉम्बे। तो बस अब हम लैंड करने वाले हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और मैंने सबके लिए दुआ की हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सबको खैर खैरियत से रखे अल्लाह ताला, हर किसी को, मैंने सबके लिए दुआ की हूँ। तो बस देखते हैं अभी हम लैंड करके आगे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, बस अभी हम लैंड करने ही वाले हैं, बस ये लोग ने कहा कि मुझे फ़ोन बंद कर दो, तो बस मैं अभी अपना फ़ोन बंद कर रही हूँ। तो ये रही मेरी दुबई से
बॉम्बे तक सफ़र जो आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा बॉम्बे, बहुत ही प्यारा लगता है ऊपर से। और दुआ करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रख